हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। स्टोरी चाइना के अंदर 1966 के टाइम में शुरू होती है। ये चाइनीज रेवोल्यूशन का टाइम है। अपने प्रेसिडेंट के कहने पर चाइनीज अपने पुराने रस्म और रवाज, आदतें, रहने के तरीके सब बदल रहे थे। और ऐसे में एक प्रोफेसर जो फिजिक्स के पुराने रूल्स पढ़ाना बंद नहीं करता, उसे सभी यंगस्टर्स मिलकर एक मीटिंग में सबके सामने मार देते हैं और उसकी बेटी डेवेंजी ये सब अपनी आंखों से देखती रह जाती है। सीन कट होकर प्रेजेंट यानी 2024 के टाइम में लंदन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक खबर बहुत ही तेजी से फैल रही है कि साइंटिस्ट अपनी ही की हुई रिसर्चेस को गलत मानने लगे हैं। दुनिया में कुछ तो ऐसा बदलाव आया है जिसने फिजिक्स के सभी रूल्स को उल्टा के रख दिया। बड़े बड़े साइंटिस्ट पागल होकर अपनी जान देने लगे और ऐसे उनके शुरू किए गए इस दुनिया को एडवांस बनाने वाले सभी प्रोजेक्ट भी बंद हो गए। खबर ऐसे नहीं थी कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान न देती, इसीलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक माहिर ऑफिसर डाशी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता है, जो इस वक्त एक मरने वाले साइंटिस्ट के घर पे आए थे। उन्हें यहाँ देखने को मिले दीवार पे लिखे हुए बहुत से टाइम काउंटडाउन की शक्ल में नंबर्स और आगे लिखा था आई कैन स्टिल सी इट, यानी मैं अभी भी इन लफ्जों को देख पा रहा हूँ। साइंटिस्ट की पूरी बॉडी चाकू से जख्मी थी, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों को भी नोच के निकाल डाला था। दूसरी तरफ लैब के अंदर हम सोना भी एक साइंटिस्ट को दिख रहे हैं, जो अभी भी इसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहा है कि अचानक ही उनकी सभी स्टडीज कैसे फेल हो गई। इसमें कोई उनकी गलती थी या फिर अचानक ही दुनिया में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया। यहीं पर हम उनके साथ ही साइंटिस्ट को देखते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो इस वक्त पर सोल से कुछ बातें करती हैं और अगले सीन में किसी कुएं जैसी जगह में गिरकर अपनी जान दे देती हैं, यानी एक और साइंटिस्ट की मौत, जिसके बारे में सुनने के बाद डाशी पुठी के ग्रुप के बाकी साइंटिस्ट पे नजर रखने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब अगला कोई इन्हीं के ग्रुप में से मारा जाएगा। डाशी एक बात ये भी नोटिस करता है कि जो साइंटिस्ट ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उनकी मौत पहले हुई है। इनके ग्रुप में हम सबसे पहले मिलते हैं जिनसे, वो मल्टी डायमेंशनल फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रही थी। उसके साथ ही ऑगी एक बहुत बड़ी कंपनी की साइंटिस्ट थी, जिसने अपनी कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत माइक्रोफाइबर तैयार किया था, जिसकी मोटाई इंसानी बाल से भी कम थी। ये दोनों आपस में यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आखिर साइंटिस्ट खुदकशी क्यों कर रही है, और दूसरी तरफ उनके बनाए हुए नए फॉर्मूलास जो उन्होंने फिजिक्स के रूल्स और लॉस को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए थे, वो सब भी अब फेल हो रहे थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान ऑगी को अचानक से एक काउंटडाउन दिखाई देने लगता है। जिस काउंटडाउन के बारे में जब वो अपनी साथी से पूछती है, तो उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था, और ये चीज ऑगी को परेशान कर देती है। और अगले दिन दोबारा जिनको मिलकर वो उससे ये बात डिस्कस करती है कि उसे हर कुछ देर बाद गोल्डन लाइट से चमकते हुए कुछ काउंटडाउन दिखाई दे रही हैं, जो उसके अलावा कोई नहीं देख पाता। ये बात काफी अजीब थी। साइंटिस्ट का पूरा ग्रुप बैठ कर इस चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी को भी ऑगी को उस काउंटडाउन के दिखने की वजह नहीं मालूम थी। वो स्ट्रेस में होटल से बाहर आकर बैठ जाती है, जिस वक्त पर अचानक ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो ऑगी ही सिगरेट चलाते हुए उससे बात करना शुरू करती है और बताती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें वो गोल्डन काउंटडाउन नजर आ रहा है। उसके मुँह से ये लफ्ज सुनते ही ऑगी हैरान रह चुकी थी। वो लड़की उसे और बताती है कि जैसे ही वो काउंटडाउन खत्म होकर जीरो पे आ जाएगा, ऑगी भी पिछले मरने वाले साइंटिस्ट की तरह मारी जाएगी। ऑगी सवाल करती है, तुम आखिर हो कौन? ये लड़की अपना नाम तातियाना बताती है और उसे कहती है कि इस काउंटडाउन को रोकने का सिर्फ
एक ही तरीका है। तुम जिस नैनो फाइबर बनाने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हो उसे अभी के अभी बंद कर दो। लेकिन ऑगी इस लड़की की ये बात क्यों मानती? उसने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की थी। जवाब में लड़की कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो कल रात तुम आसमान में देखना, पूरा यूनिवर्स तुम्हें ऐसा ही करने का इशारा दे रहा होगा। इस लड़की की बातों का सच जानने के लिए वो अगले दिन सोल के साथ रात के 12 बजे सड़क पे बैठ जाती है और हैरान कुन तौर पर आसमान के सभी सितारे एक साथ चमकने लग जाते हैं। वो सितारे बार बार ब्लिंक कर रहे थे, ऐसे जैसे कोई कोड बता रहे हो। सोल उस कोड को नोट कर लेता है और ऑगी देखती है कि ये कोड बिल्कुल उसके काउंटडाउन से मैच हो रहा था। अगले दिन वो ऑफिस में आती है। आज उसके नैनो फाइबर की लॉन्च थी, उसके काउंटडाउन में भी सिर्फ एक मिनट का वक्त रह गया था। वो जल्दी से अपने बॉस से कहकर इस प्रोजेक्ट को बंद करवा देती है और ईरान को दौर पर इस वक्त उसका काउंटडाउन भी रुक जाता है। जिसके बाद अब ऑगी समझ चुकी थी कि जितने भी साइंटिस्ट मारे गए हैं उन्हें उनकी किसी न किसी रिसर्च को बंद करने का कहा जा रहा था और उनके ऐसा ना करने पे उनको मरने पे फोर्स किया गया। पर अब ऑगी के सहन में बहुत से सवाल थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जो इंसानों को टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और आखिर वो ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हुए यहाँ की फिजिक्स को ही बदल डाला है। अब इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि अपनी साथी के मरने के बाद उसकी मॉम के घर पे थी, जहाँ साइंटिस्ट की मॉम जिन को उसका बनाया एक एडवांस हेलमेट देती है, जिसे लेकर जिन अपने घर आ जाती है। जिन इस हेलमेट को पहनते ही वर्चुअल रियलिटी में पहुंच चुकी थी, गेम की एक ऐसी दुनिया जहाँ उसे सब कुछ असल दिखाई दे रहा था। उसे यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। वो इंसानों को टच कर सकती थी, उन्हें फील कर सकती थी। वो परेशान होकर इस हेलमेट को उतार देती है और अगले दिन अपने दोस्त जैक को दिखाती है। इस हेलमेट की क्वालिटीज बताने के साथ वो जैक को कहती है कि ऐसा एडवांस हेलमेट कोई आज के टाइम में नहीं बना सकता। उसने ये कैसे किया होगा मुझे नहीं पता। अब इस हेलमेट की और क्वालिटीज को चेक करने के लिए ये दोनों एक साथ हेलमेट पहनकर उसकी वर्चुअल रियलिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। ये एक गेम थी और यहाँ पर अजीबोगरीब तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आया करते थे, जैसे अचानक गर्मी का इतना बरस आना कि वहां पर लोग सूख करती थी, कभी मौसम इतना ठंडा हो जाता कि तूफान रुकता ही नहीं था, और कभी कभार तो यहाँ की ग्रेविटी भी खत्म हो जाती थी। इन हार्श कंडीशंस के अंदर यहाँ के इंसानों ने अपने आप को सुखा कर स्लीप मोड में भेजना सीख लिया था और वो लोग सही मौसम आने पर अपने आप को पानी में डाल कर जिंदा कर लिया करते थे। गेम ये थी कि इन्हें फिजिक्स के जरिए जानना था कि इस प्लैनेट का टेम्परेचर इतना जल्दी जल्दी चेंज कैसे हो जाता है। जिन और जैक दोनों ही बहुत सही थे, जैसा हमें पता है वो तो साइंटिस्ट थे। वो जल्द ही ये बात पता चला लेते हैं कि ये प्लैनेट जिस सोलर सिस्टम के अंदर है वहाँ एक नहीं बल्कि तीन तीन सूरज हैं, जिनके एक साथ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने की वजह से मौसम इतनी जल्दी तब्दील होता है, और जैसे ही ये तीनों सूरज एक लाइन में आ जाते हैं तो इस दुनिया में आग लग जाती है। और ये बात जाने के बाद इन्होंने गेम का पहला लेवल पार कर लिया था। गेम के नेक्स्ट लेवल पर ये लोग देखते हैं कि आइजैक न्यूटन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी गेम के अंदर इस प्लैनेट की थ्री बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए थे। थ्री बॉडी प्रॉब्लम मीन्स तीन सूरज का एक प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करना। वो देखते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर यहाँ इंसानों के जरिए एक कंप्यूटर बनाया था थ्री बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी एक कैलकुलेशन के जरिए। तब यहाँ खड़े हुए जिन और जैक सभी चीजों का अच्छे से अंदाजा लगाते हैं और उन्हें बताते हैं कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। और उनके ऐसा कहते ही यहाँ पर एक लड़की आकर उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही बताया, इसलिए तुम लोग लेवल 2 भी पार कर चुके हो, और अगर तुम लोगों ने लेवल 3 पार कर लिया तो तुम्हें जल्द ही इस गेम के क्रिएटर से भी मिलवाया जाए। सीन कट होकर हमें पास्ट में चाइना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मरने वाली प्रोफेसर की बेटी बेंजी को मिलिट्री पकड़ कर ले जा चुकी थी। पहले
तो उसकी मजदूरी की ख्वाहिश हो रही है। और फिर जब मिलिट्री वालों को उसका साइंस पे लिखा हुआ एक आर्टिकल मिलता है तो वो उसके टैलेंट को जानते हुए उसे अपनी एक खुफिया बेस पे ले आते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि चाइनीज ने एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर लगाया हुआ है जो सिग्नल्स दुनिया के बाहर भेजता है, जिसका मकसद है कि अगर इस दुनिया के बाहर कोई भी एलियन रहता है और वो उन्हीं की तरह एडवांस है तो वो उनसे कॉन्टेक्ट करे। थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद मिट्री इस सारे सिस्टम को समझ आती है और कुछ कैलकुलेशंस करके अपने हेड को बताती है कि उनका ट्रांसमीटर दूसरे प्लैनेट पर सिग्नल भेजने के लिए कमजोर है। अगर ट्रांसमीटर का रुख सूरज की तरफ कर दिया जाए तो वो उसके सिग्नल्स की ताकत को बढ़ाते हुए दूसरे प्लैनेट तक उनके सिग्नल्स को पहुंचा सकता है। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर एक दिन उसे एलियंस का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। एलियंस के मैसेज में लिखा था कि अगर वो अपने प्लैनेट और प्लैनेट पे रहने वाले लोगों को बचाना चाहती है तो वो आइंदा कभी उनसे कॉन्टेक्ट ना करे, वरना इंसानों की सोसाइटी तबाह हो जाएगी। वेंजी जो इंसानों को पहले ही बेरहम समझती थी और वो ये नोटिस कर रही थी कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान इस दुनिया को खराब करते जा रही है, तो इस चीज को देखते हुए वो एलियंस को मैसेज करती है कि इंसान इस प्लैनेट को खराब कर रही है, आप लोग इस प्लैनेट पे आकर टेक ओवर करने, जिससे ये प्लैनेट बच जाएगा और इसमें जितना हो सके मैं आपकी मदद करूंगी। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहां आज ऑगी के प्रोजेक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन है, यानी वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बता रही है। और इस इवेंट के सक्सेसफुल होने के बाद ऑगी का काउंटडाउन दोबारा से शुरू हो जाता है, जो देख को बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन ही इस प्रोजेक्ट को बंद करने का ऑर्डर दे देती है। यहाँ डाशी अपने सीनियर ऑफिसर को मरने वाले साइंटिस्ट के घर से मिला वो एडवांस हेलमेट लाकर देता है, जिसको पहनने पर इंसान वर्चुअल रियलिटी में पहुंच जाते थे। ना सिर्फ ये, इस हेलमेट को पहनने पर ये हेलमेट इंसान के दिमाग के न्यूरॉन्स को भी अपने साथ अटैच कर देता था। दाशी का मानना था कि ये किसी ऐसे इंसान ने बनाया है जिसको जहीन और काबिल लोगों की तलाश हो, क्योंकि ये हेलमेट हमारी एबिलिटीज को भी डिटेक्ट करता है। सबके बाद अब वो ऑगी के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने अपना प्रोजेक्ट क्यों बंद किया। ऑगी जो इसी सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, उसके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो डाशी को ही सारी बातें बता दे। वो डाशी से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम भी मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुझे सच में कुछ काउंटडाउन नजर आते हैं। अगर मैं उस प्रोजेक्ट को जारी रखती हूँ तो वो काउंटडाउन चलना शुरू हो जाता है, जिसके एंड पर मैं मर जाऊंगी, और ये बात मुझे एक लड़की ने बताई है। यहाँ दाशी उसे कहता है, परेशान नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखो इस फुटेज को गौर से, जिस होटल के बाहर बैठ कर तुम लड़के से बात कर रही थी, किसी ने एडवांस AI टेक्नोलॉजी के जरिए उस लड़की को फुटेज से ही मिटा दिया है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि तुम्हारी सिगरेट तुमने खुद नहीं चलाई, और इसीलिए मुझे यहाँ किसी और के होने का एहसास हुआ। ऐसे ही मैं तुम पे यकीन भी कर पा रहा हूँ। यहाँ दाशी ऑगी से कहता है कि मैं भी इस चीज को लेकर परेशान हूँ कि कोई फिजिक्स के रूल्स को आखिर कैसे तोड़ सकता है। और वो ऐसा कौन है जो टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को बंद करने के लिए साइंसदानों को मार रहा है। दाशी इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए अपने साथ ऑगी को भी मिला लेता है। सीन कट होकर हम जिन और जैक को देखते हैं, जो गेम का तीसरा लेवल पार करने के बाद उसकी मेकर से मिलने के लिए आए हैं, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि तातियाना ही थी, जो पहले ऑगी से भी मिली थी लेकिन फिर वो फुटेज में नजर नहीं आई। ये लड़की इन दोनों को बताती है कि ये हेलमेट इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि इनके जरिए दुनिया के सही तरीन इंसानों को चुना जा सके। यहाँ ये लड़की गेम की सच्चाई रिवील करते हुए बताती है कि जो सिविलाइजेशन उन्होंने गेम के अंदर देखी वो एक हकीकत थी। अर्थ से 4 light years दूर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके गिर्द हमेशा 3 सूरज रिवॉल्व करते हैं, यानी जो कुछ जैक और जिन ने उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर फील किया था वो असल में
और प्लैनेट्स के लोगों के साथ हुआ करता था। वो और बताते हैं कि इस हेलमेट के जरिए एलियंस ही उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एलियंस तो उनके जैसे दिखते भी नहीं, बस उन्होंने एलियंस को अपनी बातें समझाने के लिए और उनके साथ घुलने मिलने के लिए अपने आप को इंसानों जैसा बना लिया है। ताती उन्हें बताती है वक्त दूसरा और सेंटी एलियंस ये बात जान गए कि तीन तीन सूरज जल्द ही उनके प्लैनेट को तबाह कर देंगी। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें कोई और प्लैनेट ढूंढना होगा जहाँ पर वो सांस ले सके। ऐसे में उन्हें अर्थ का पता चला और वो फौरन अपनी हजारों स्पेसशिप बनाते हुए अर्थ के लिए निकल पड़े। और ये लोग आज से पूरे 400 साल बाद इस अर्थ पर पहुंचेंगे। वो बताते हैं कि एलियंस इन जहीन इंसानों से कांटेक्ट इसलिए कर रही हैं कि वो उनके यहाँ रहने को आसान बनाएं और इंसानों को भी ये बात समझाएं कि सेंट्री एलियंस और इंसान दोनों एक ही प्लैनेट पे यानी अर्थ पे हंसी खुशी रह सकते हैं। एलियंस के लिए ये काम एक बहुत बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है जिसकी मेंबर ये तातियाना भी है। तातियाना बताती है कि हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन अर्थ में होने वाली बढ़ती टेक्नोलॉजी के सिस्टम को रोक रही है और वही साइंटिस्ट को भी मार रही है ताकि इंसान इतनी तरक्की ना कर ले कि वो उन सेंटीलियंस को हरा दे। तातियाना की ये सारी कहानी सुनने के बाद जैक को गुस्सा आ जाता है। वो आखिर इंसानों को छोड़कर इंसानों को धोखा देकर एलियंस की मदद क्यों करता, इसीलिए वो गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। जबकि जिन तातियाना की मदद को तैयार हो जाती है, जिसके बाद जिनको एक पार्टी का इनविटेशन लेटर दिया जाता है। इस पार्टी में जिनको इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से मिलवाया जाना था। सीन कट होकर दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेंजी एलियंस को अर्थ पे आने का इनविटेशन भेज चुकी थी, साथ ही उसने अर्थ की लोकेशन भी उन्हें दी थी और इस सब की खबर यहाँ किसी और को नहीं थी। इसी चाइनीज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे एक बिलियनर इंसान माइक मिलता है। इंसानों को लेकर इन दोनों की सोच काफी मिलती थी। ये दोनों ही इंसानों को राक्षस मानते थे जो आहिस्ता आहिस्ता इस अर्थ को तबाह कर रहे थे। माइक को भी लगता था कि अगर एलियन इस दुनिया में आकर इंसानों को गुलाम बना ले तो तब ये अर्थ भी सेफ रह सकती है और इंसान भी ठीक हो सकते हैं। और वो अपनी इस सोच को पूरा करने के लिए बेंजी को चाइना से निकाल कर USA यानी अमेरिका में ले। माइक जिसके पास बहुत पैसा था उसने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी शिप्स खरीदी और उस पर बड़े बड़े एंटीनास लगाए एलियन से कांटेक्ट में रहने के लिए। ये लोग अब पूरी दुनिया से छुपकर एलियन से कम्युनिकेट करने लगे थे जहाँ उन्होंने अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन एलियंस को दी। सीन कट होकर प्रेजेंट में हमें जैक को दिखाया जाता है जो तातियाना के ऑफिस से उठकर सीधा अपने घर आया था। हम देखते है कि यहाँ तातियाना उसके पीछे आ चुकी है। वो जैक से कहती है कि जो साइंटिस्ट हमारे साथ नहीं उसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। ऐसा ही वो जैक को मार चुकी थी और अपने आप को उसने सीसीटीवी से गायब कर लिया था। जैक के मरने के बाद जिन को भी एहसास हो जाता है कि वो गलत लोगों का साथ देने जा रही है, इसीलिए वो डाशी और उसके सीनियर ऑफिसर को तातियाना की सारी कहानी सुना देती है। साथ में सेंटी एलियंस के इस दुनिया में आने वाले प्लान के बारे में भी बता देती है। जिन अब जल्द ही तातियाना के ग्रुप से बाहर निकलना चाहती थी, हालांकि वो ये भी जानती थी कि अगर वो ग्रुप से बाहर निकली तो तातियाना उसे भी मार देगी। और इस वक्त पर दाशी उसे एक मशवरा देता है। वो कहता है कि तुम उन्हीं के ग्रुप में रहने का नाटक करो और उनकी सारी खबरें हमें दो। दाशी उससे सीक्रेट गर्ल को पकड़ने में मदद मांग रहा था जो असल में एलियंस को इस दुनिया में बुलाना चाहते थे। अगर गर्ल के लीडर पकड़े जाते तो ये मसला खुद ही सॉल्व हो जाता। सीन कट होकर अब हमें वेंजी और माइक को दिखाया जाता है जिन्होंने काफी साल पहले मिलकर शिप्स के ऊपर एलियंस से कम्युनिकेट करने के लिए एंटीनास लगाए थे। हम देखते है कि माइक अब बूढ़ा हो चुका है। वो पिछले 50 सालों से इंसानों की एडवांसमेंट की हर इंफॉर्मेशन एलियंस को भेज रहा था। उसने जो कल्ट ग्रुप बनाया था वो भी अब बहुत बड़ा हो चुका था। एक दिन माइक जब एलियंस को इंसानों के झूठ बोलने वाली आदत के बारे में बताता है तो एलियंस इस बात को समझ जाते हैं कि वो कभी इंसानों पर एतबार नहीं कर पाएंगे और ऐसे में
उनके साथ रहना भी मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने अब माइक को रिप्लाई करना भी बंद कर दिए थे। यहाँ दिखाया जाता है कि वेंजी भी दाशी के कहने पर उस कल की मीटिंग में गई जो एलियंस को यहाँ बुलाना चाहते थे। वो यहाँ ये देखकर हैरान हुई कि उस ग्रुप की लीडर उसकी मरने वाली दोस्त की मॉम थी और उसे ये चीज शॉक कर देती है कि क्या उसकी मॉम ने खुद अपनी बेटी को मरवा दिया। हमें ये बात भी पता है कि ये औरत असल में वेंजी है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। वो यहाँ लोगों से स्पीच करते हुए कहती है कि इंसान बहुत बेरहम है और इंसानों से कई ज्यादा अच्छे वो सेंटीलियंस हैं जो आज से 400 साल बाद इस जमीन पे आएंगे। हमें इस जमीन को उनके रहने के काबिल बनाना होगा, साथ ही इंसानों को ताकतवर होने से रोकना है और उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी रोकना है ताकि वो एलियन से ज्यादा ताकतवर होकर उनसे लड़ ना पाए। इसी स्पीच के दौरान अचानक पुलिस यहाँ पे रेड करने के लिए आ जाती है। सभी लोगों को पकड़ा जाने लगता है और यहाँ तातियाना देखती है कि पुलिस जिन को एक साइड पे ले गई थी। इसका मतलब था कि जिन ने ही उन्हें धोखा दिया था। इस गुस्से में वो पुलिस और जिन के ऊपर गोली चलाती है। गोली चलाने की वजह से वहाँ भगदड़ मच चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने वेंजी और यहाँ के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इस दौरान दाशी ने जिन को भी बचा लिया था, लेकिन तातियाना उनसे बच कर कहीं भाग गई। वेंजी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए दाशी को पता चलता है कि उसका साथी माइक अभी भी अपनी शिप्स के जरिए एलियन से कांटेक्ट कर पा रहा होगा और इस शिप को किसी भी किस्म की पुलिस पकड़ नहीं सकती क्योंकि वो शिप इंटरनेशनल वाटर्स में है। सो अब दाशी अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर ये प्लान करता है कि उन्हें इलीगली उस शिप को तबाह करके वहाँ से इंसानों का सारा डेटा निकालना होगा जो वो एलियंस के पास पहुँचा रहे थे। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए ये लोग ऑगी की मदद लेते हैं। वो ऑगी से उसके नैनो फाइबर को दोबारा बनाने को कह रहे थे, जिसकी मदद से वो इस शिप को बर्बाद करते थे। ये नैनो फाइबर बारीक और इनविजिबल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत भी थे और वो किसी भी चीज को आराम से काट सकते थे। ये लोग बोट की पोजीशंस को जानते हुए उसके आगे आने वाले आइलैंड के पास एक जाल बिछा देते हैं जो पूरा नैनो फाइबर से भरा हुआ था, जिसके अंदर से जब बोट गुजरती है तो वो कई हिस्सों में डिवाइड होकर तबाह हो जाती है। बोट के साथ साथ उसके अंदर के इंसान भी ऐसे ही कट कर मारे जा चुके थे। माइक वक्त रहते ही डेटा को बचाना चाहता था, लेकिन वो खुद भी मारा जाता है और ऐसे डेटा सिक्योरिटी के हाथ लग जाता है, यानी दाशी और उनकी टीम के हाथ लग जाता है। अब दाशी और उसकी टीम जब इस डेटा को रीड करने की कोशिश कर रहे थे तो किसी को भी ये डेटा समझ नहीं आ रहा था और तभी वो देखते हैं कि अचानक से सेंटीलियंस ने उनके लिए ये सारा डेटा रीडेबल बना दिया था। यहाँ जेन और दाशी के सीनियर ऑफिसर दोनों वर्चुअल हेलमेट पहनकर एलियन से कांटेक्ट करने लगे, जहाँ एलियन ने उन्हें बताया कि इंसानों पर कई सालों के रिसर्च के बाद हमें ये पता चला कि इंसान एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। वो अपने ही जैसे इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें कमजोर करके उन पर हुकूमत करते हैं। उनके दर्द झूठ और लालच जैसी बुरी चीजें हैं। इंसानों के दिमाग काफी तेज हैं। वो अपने आप को किसी भी मुश्किल में देखकर उसका हल बहुत ही जल्दी निकाल लेते हैं। केनियन बताती है कि पिछले 50 सालों में हमारी सोच से कई ज्यादा इंसानों ने तरक्की कर ली और जब 400 साल के बाद एलियन जमीन पे लैंड करेंगे तो शायद इंसान उनसे कई ज्यादा ताकतवर हो चुके हों। और इस मसले के हल के लिए फलाह में मौजूद उन एलियंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो कि पूरी अर्थ को कवर कर सकती है। ये एक तरह का AI कंप्यूटर था। इन कंप्यूटर्स की वजह से एलियंस इंसानों की हर खबर पर नजर रख सकते थे और इन्हीं कंप्यूटर्स की वजह से वो सारी तब्दीलियां हो रही थी, जिनकी वजह से सभी साइंटिस्ट परेशान थे, जैसे फिजिक्स के रूल्स का चेंज हो जाना और एक रात आसमान में अचानक बहुत से सितारों को चमकना। वो असल में सितारे नहीं बल्कि AI कंप्यूटर चमक रहे थे। इन्हीं कंप्यूटर्स के जरिए एलियंस 400 लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी इंसानों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बंद करवा सकते हैं। और जो साइंटिस्ट
एलियंस की बात नहीं मानते, एलियंस उन्हें मरवा देते हैं ताकि इंसान कभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में उनसे आगे ना निकल पाए। इस वक्त पर एलियंस अपने एआई सिस्टम को आसमान में विजिबल बनाते हैं, जिसे अब सभी इंसान अपनी आंखों से देख पा रहे थे। इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ी आंख भी बनी हुई थी। यहाँ जिन और वो ऑफिसर जल्दी से हेलमेट उतार कर बाहर आते हैं और आसमान में देखते हैं, जहाँ पूरा आसमान काला पड़ चुका है और नीचे दुनिया में अफरा तफरी मच गई है। एलियंस इस दुनिया में मौजूद सभी डिजिटल ग्लास के ऊपर ये मैसेज लिख चुके थे कि इंसान कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं। इंसानों के चारों तरफ अब आसमान नहीं बल्कि एलियंस का एआई फैला हुआ है, जो इंसानों को अपनी मर्जी की चीजें दिखाएगा। ये खबर अब न्यूज के साथ साथ दुनिया में फैल जाती है कि जल्द ही एलियंस इस दुनिया में आने वाले हैं और वो इस दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी को खत्म करके इस दुनिया के सभी साइंटिस्ट को मार डालेंगे। लोगों में डर फैल जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी सड़कों पर निकल आती है। इस वक्त पर यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग बुलाई जाती है ताकि सारे मुल्क इकट्ठे मिल बैठकर इस बड़ी सी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अभी एलियंस के आने में 400 साल थे और वो बहुत ही आसानी से उनको हराने की तैयारियां कर सकते थे। दिखाया जाता है कि जिन यहाँ वेंजी से मिलती है वो उसे कह रही थी कि तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो, लेकिन देखना हम भी हार नहीं मानेंगे। यहाँ दिखाया जाता है कि दाशी के सीनियर ऑफिसर दुनिया में बचे हुए सभी साइंटिस्ट की एक मीटिंग बुलाता है, जिन्हें अब मिलकर काम करना था और उन्हें एलियंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चलानी थी। वो किन चीजों पर सरवाइव करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह, ये पहचानने के लिए उन्हें किसी एलियन तक जाना था। साइंटिस्ट यहाँ मशवरा देते हैं कि अगर हम एक प्रॉप को बनाकर स्पेसशिप में भेजें तो वो जरूर हजारों में से किसी एक एलियन शिप से टकरा जाएगी और उसके जरिए हम एलियंस के बारे में पता चला पाएंगे। सभी को ये आइडिया पसंद आता है और जिनकी लीडरशिप के अंदर ये लोग कुछ ही सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा प्रॉप बना लेते हैं जो लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हुए स्पेस में जाएगा। ये प्रोजेक्ट काफी महंगा पड़ने वाला था, इसमें कोई इंसान इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि उसका वजन बढ़ जाता और फिर वो इतनी स्पीड में ट्रैवल ना कर पाता। या ऑफिसर जिनको मशवरा देते हैं कि क्यों ना उस प्रॉप के अंदर किसी इंसानी दिमाग को रखा जाए जो एलियन के स्पेसशिप के साथ टच होते ही सारा का सारा डेटा जमीन पर भेजते। लेकिन इसके लिए अपना ब्रेन कौन देता, ब्रेन देने में तो वो मर जाते और उन्हें किसी आम इंसान का दिमाग भी नहीं चाहिए था, उन्हें किसी सहीन साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए था। और यहाँ पर जिनको अपना एक साथी याद आता है जिसे अब कैंसर था और उसके पास कुछ ही दिनों की जिंदगी बची थी, वो इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को मान जाता है और अब प्लान के मुताबिक विल नामी इस साइंटिस्ट के ब्रेन को निकाल कर प्रॉप में डाल दिया गया था। कुछ ही देर में उस प्रॉप को स्पेस में लॉन्च भी कर दिया जाता है। दिखाया जाता है कि वो बड़ी तेजी से एलियंस की स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी ही वक्त पर वो प्रॉप अपना रास्ता चेंज कर लेता है, जिसका मतलब था कि इंसानों का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया और विल का सेक्रीफाइस भी बेकार गया। इस प्लान के फेल होने के बाद ये लोग अब अगला प्लान बनाते हैं। इंडिया से एक मेजर बुलाए जाते हैं जिनकी मेजरशिप में अब चांद पे एक बेस बनाई जाएगी, जिसके जरिए वो लोग एलियन से लड़ेंगे। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है तातियाना को, जो उस कल्ट में बच गई थी और वो अब एलियंस की किसी भी सिग्नल का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दाशी सोल नामी उस साइंटिस्ट को लेकर जो ऑगी और जिनका दोस्त था यूएन की मीटिंग के अंदर पहुंचता है, जहां यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के लीडर इन सबको बताते हैं कि एलियंस के एआई का आसमान में होने की वजह से वो लोग जमीन पे कुछ भी करेंगे तो एलियंस को उसकी खबर हो जाएगी। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर कोई वेपन बना ले, एलियंस उसकी खबर लेकर अपने आप को उससे भी ज्यादा मजबूत कर लेंगे। लेकिन अब खुशी की बात ये थी कि बहुत रिसर्च के बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस एआई की एक कमजोरी ढूंढ निकाली थी, जहाँ ये एआई इंसानों को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है
इंसानों को अपनी मर्जी की चीजें दिखा सकता है, लेकिन वो इंसानों का दिमाग नहीं पढ़ सकता। सो इसलिए इंसानों के पास उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए UN ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 लोग काम करने वाले थे। इन 3 लोगों का मेन मिशन था एलियंस को हराना, और जो भी प्लान था वो उसे अपने दिमाग में रखने वाले थे। किसी भी तरह से वो उस प्लान को किसी दूसरे को नहीं बता सकते थे। अपने प्लान को पूरा करने के लिए उनको दुनिया की सारी अथॉरिटीज दी गई थी। वो जो भी हुक्म करेंगे अथॉरिटीज वो पूरा करेंगी। और इन 3 लोगों में एक सोल भी था, जिसके बाद हम देखते हैं कि दाशी जिन और सोल को लेकर एक ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे बहुत से बग्स हैं। वो इन दोनों से कहता है कि चाहे एलियंस उन्हें बग्स समझते हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब लड़ाई उनकी जिंदगी की आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो करेंगे भी। और इसी इरादे को करते हुए इस सीजन का यही एंड हो जाता है। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।